देखिए 68th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है आप लोग का, ये 12 फरवरी को आ चुका है, ये 12 फरवरी है, लेकिन इसको 12 फरवरी आप लोग मानिए नहीं, अपने तक के लिए आप क्या कीजिए, जनवरी तक का ही टाइम मानिए। यानी कि आपके पास जो हाथ में टाइम है, नंबर ऑफ डेज जो है, ये आपका क्या है, नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर 20 डेज के आसपास। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 31 डेज प्लस जनवरी ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 से ज़्यादा आप मानिए ही नहीं, यानी कि टोटल आपके पास हो जा रहा 65 डेज। अब हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि 65 दिन में तैयारी कैसे करें कि बीपीएससी निकले, क्योंकि आप लोग के साथ एक चैलेंजिंग यह भी है कि 68वीं बीपीएससी के दौरान पैटर्न में क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, पैटर्न में चेंज भी हो सकता है। जैसा कि आप सुने हैं कि 50 प्रश्न जो होगा उसका लेवल थोड़ा क्या होगा, हाई होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग के टाइम से है, तो थोड़ा सचेत रहना। पहले बच्चे क्या करते थे कि प्रीवियस ईयर पेपर देख के समझ जाते थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, मिराइवल से कम रहेगा, ज्योग्राफी से कम रहेगा। अब वो नहीं होने वाला, अब बीपीएससी भी यहाँ एक्सपेरिमेंट करेगी किस प्रकार से आपको छाटना है। यह भी हो सकता है कि मिराइवल हिस्ट्री से अब तक कम क्वेश्चन रहा है तो इस बार क्या रहे, ज़्यादा क्वेश्चन रहे। ये भी हो सकता है कि ज्योग्राफी से अभी तक कम क्वेश्चन पूछा गया है तो ज्योग्राफी से क्या रहे, ज़्यादा क्वेश्चन रहे। तो इस बार अपना गेसिंग नहीं लगाना है कि ये सेक्शन से ज़्यादा पूछेगा या ये सेक्शन से कम पूछेगा। हो सकता है कि आप मॉडर्न ज़्यादा पढ़ के जाइए और मिडाइवल से आपको ज़्यादा पूछ दे, एंशियंट ज़्यादा पढ़ के जाइए, ज्योग्राफी से क्या करे आपको ज़्यादा पूछ दे। तो जो थे कि रणनीति की, 60 दिन में क्या करे जो सिलेक्शन हो सके। फिर भी अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट पे हमको पहले फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए। पहला तो मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पे देखना है। दूसरा हम लोग को क्या देखना है, जनरल साइंस का सेक्शन देखना है। तीसरा हम लोग को क्या देखना है, करेंट अफेयर्स का सेक्शन देखना है। हम गलती क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में जाकर तब करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक खरीदते हैं और सोचते हैं कि 10 दिन में क्या करें, 365 दिन की तैयारी कर ले। हो सकता है कि आप 10 दिन में 365 दिन का पढ़ लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपको क्या होगा, सारा गोल हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि अभी से ही क्या करें, हम पढ़ते चले। तो आपका एग्ज़ाम है फरवरी में, फरवरी 2023 में, तो आपको नीड है कि जनवरी 2022 से क्या कर लेना है, करेंट अफेयर्स को देख लेना है। साथ साथ 1-2 महीना बैक का हम चले जाते हैं, मान लीजिए अक्टूबर 2021 से। तो आपका करेंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अक्टूबर 2021 से आपको कहां तक जाना है, फरवरी 2023 है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, जनवरी, यहां पे आप कहां तक जा सकते हैं, जनवरी 2023 तक का जा सकते हैं। तो पहला तो नोट कीजिए कि करेंट अफेयर्स कहां से कहां तक का हमको देखना है, करेंट अफेयर्स कहां से कहां तक का देखना है, तो अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी 2023 तक का हम लोग को क्या करना है, करेंट अफेयर्स क्या करना है देखना है। तो सबसे पहला ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ने का स्ट्रैटजी क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए कि करेंट अफेयर्स पढ़े कैसे, स्ट्रैटजी क्या होना चाहिए। तो रणनीति में दो चलेंगे, दो पोर्शन में इसको बांट देंगे, एक बैक और दूसरा क्या करेंगे, रिसेंट। बैक कहने का मतलब है कि एक करेंट अफेयर्स का सेक्शन हम क्या करेंगे, पीछे से उठाएंगे, जैसे जनवरी 2021 से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एक सेक्शन दिन में 24 घंटा में एक टाइम बांटेंगे कि जनवरी 2021 का करेंट हम अफेयर्स पीछे से याद करते चले। और दूसरा हम क्या करेंगे कि डेली और वीकली करेंट अफेयर्स क्या करते चलेंगे, रिसेंट का वो देखते चलेंगे, डेली और वीकली करेंट अफेयर्स हम लोग क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे। ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारा बैकलॉग है पीछे का,
ये कंप्लीट होते चलेगा। दूसरा क्या है, रिसेंट का जो रिसेंटली जो आते चल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, जिसके कारण एक साल का वार्षिकांक और टारगेट क्या रखना है कि जो पीछे वाला है बैक वाला जितना है इसको हम दिसंबर जाते जाते तक पूरा करेंट अफेयर्स को क्या करें, कवर कर लें, ताकि जनवरी तक में सिर्फ हमारे पास क्या रहे, रिवीजन का टाइम रहे, और जनवरी 2023 में क्या हो, अब जाके हम मैगजीन कोई खरीदेंगे, वार्षिकांक ईयरली मैगजीन क्या करेंगे, खरीदेंगे, चूंकि हमारा कवर रहेगा बैक का और रिसेंट का, तो एक बार ईयरली मैगजीन को क्या करेंगे, देख जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक साल से ज़्यादा का बीपीएससी में क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जनवरी 2023 तक जाएंगे। इसमें भी दो पोर्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली या डेली पढ़ने के चक्कर में पीछे वाला क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना, एक दिन का टाइम बना लेना है कि एक टाइम में केवल पीछे वाला रिवीजन करे और एक टाइम में केवल क्या करे, रिसेंट हम लोग क्या करे, रिवीजन करे। तो रिसेंट में क्या करना है, डेली वाला देख लेना, इस वीक में जो जो हुआ है वो देख लेना है, और बैक में जनवरी, जनवरी कंप्लीट हो जाए तो फरवरी, फरवरी कंप्लीट हो जाए तो मार्च, लेकिन टारगेट ऐसा लेके चलना है कि दिसंबर तक में हमारा क्या होना चाहिए, करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि पूरा जनवरी जो है हम क्या करें, जो वार्षिकांक है ईयरली जो है इसको हम क्या करें, देख सके। तो पहला ये चीज़ है। दूसरा क्या देखना है, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग, जैसे स्ट्रेटजी बतला रहे हैं करते चलिए, हम गारंटी लेते हैं आगे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर मन से कर लेते हैं तो, अपने प्रति ईमानदार है तो इससे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे की अगर बात करते हैं, अब करेंट अफेयर्स में बच्चे क्या करते हैं, दो चीज़ छोड़ देते हैं, दो चीज़ क्या छोड़ते हैं, तो एक हम लोग क्या छोड़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, एक हम लोग क्या छोड़ देते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण छोड़ देते हैं, और दूसरा क्या छोड़ देते हैं, बजट हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ ये भी देखना है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बारे में भी देखना है, वो लास्ट में हम खुद करवा देंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, लेकिन बजट में दोनों पर फोकस करना है, नेशनल राष्ट्रीय बजट क्या रहा है हमारा, और दूसरा बिहार का बजट क्या रहा है, ये भी हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स में ये तीन अगर यहाँ इतना कर लेते हैं, गारंटीड है कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक पढ़ जाते हैं लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण और बजट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो नीड है कि इसको भी क्या करना है, पढ़ते चलना। अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप बना लीजिए, उसमें एकदम टारगेट रख लीजिए कि हम जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ के आएंगे और आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जनवरी फरवरी 2021 का क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ के आएंगे, और इस प्रकार से आपस में क्या कीजिए, एक टारगेट सेट करके डिस्कस कीजिए। वैसे हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे तो वहाँ सारा को क्या करेंगे, कवर करवा देंगे। तो ये रहा करंट अफेयर्स की बात। अब आगे आते हैं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस इससे भी देखिएगा 20 से 30 क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। अगर हम इसको वरीयता क्रम में सजाए तो अभी भी पहले स्थान पे हम लोग को क्या पूछता है, बायो। जनरल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन जो रहता है वो कहाँ से रहता है, बायो से रहता है। सेकेंड स्थान पे आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या इंटरचेंजिवली क्या कर सकता है, बदल सकता है, फिजिक्स डाल देगा या कभी क्या करेगा, केमिस्ट्री का क्या करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन अगर प्रथम स्थान पर देखें तो अभी भी हमारा क्या है, बायो जो है यह क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसको क्या होता है, ज़्यादा इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल साइंस के लिए अब क्या होगा, आप 9th का पढ़िएगा, 10th का पढ़िएगा, 11th 12th डबल एओ के एग्जाम में अब 11th 12th से भी बायो से क्वेश्चन डाल दिया था, तो इतना प्रैक्टिकली अब 3 महीना में पढ़ने का, यानी कि 60 दिन में पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपके पास दो है, एक तो लूसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए, लूसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए, सामान्य विज्ञान ले लीजिए,
लुसेंट का जनरल साइंस ले लीजिए। देखिए जनरल नॉलेज अलग आता है, जनरल साइंस आता है। इस बुक का विशेषता क्या कि सब कुछ डीप में नहीं दिया, लेकिन जितना 11, 12 तक साइंस होना चाहिए सब का कम से कम टर्म को भी यह क्या किया है, डिफाइन कर दिया। तो अगर आप एक लुक पढ़ जाते हैं तो आपको 11, 12 तक का जनरल साइंस का क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। लेकिन लुसेंट जनरल साइंस पढ़िएगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि बायो कम्प्लीट, उसके बाद ही हम फिजिक्स कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे केमिस्ट्री कम्प्लीट करेंगे। और साथ साथ क्या करना है जनरल साइंस में कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो आता है जनरल साइंस, इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, लास्ट में नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है समझिएगा, तो दो चीज हम अभी जस्ट बतलाएं साइंस के लिए कि एक हमारा क्या रहना चाहिए, लुसेंट का जनरल साइंस होना चाहिए, और दूसरा घटना चक्र प्रीव्यू। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि डेली एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, अब वो जमाना गया। अब टारगेट बेस्ड करना है, टारगेट बेस्ड कहने का मतलब कि एक टारगेट रखिए कि हम नवंबर लास्ट तक क्या करें, घटना चक्र का जनरल साइंस से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का ऐसा मतलब नहीं कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसका आंसर पता चल रहा है, क्योंकि क्या होगा एक बुक को आप चार बार पढ़े रहिएगा तो इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि क्वेश्चन देख के पहले ही पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। तैयारी वैसी नहीं करनी, तैयारी क्या करनी है कि जनरल साइंस की बुक किसी को पकड़ा दीजिए, घटना चक्र का कोई दोस्त को मित्र को, और उसको बोलिए कि तुमको जहाँ से मन हो जिस पेज से मन हो उससे क्या करो क्वेश्चन पूछो, और कमांड इतना होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वह भी आपको याद होना चाहिए। इतनी तैयारी होनी चाहिए कि अगर हम क्लास में आपको खड़ा कर दें और बोले कि जनरल साइंस का क्वेश्चन का जो एमसीक्यू आप ही डिस्कशन करेंगे तो बिना आंसर देखे आपको सब कुछ पता होना चाहिए और साथ साथ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नहीं तो बच्चा क्या करता है कि जनरल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, इसका घटना चक्र इतनी बार पढ़ चुका होता है कि आप खुद भी अनुभव कीजिएगा कि घटना चक्र तीन बार चार बार पढ़ लीजिएगा ना तो आप क्वेश्चन देखिएगा तो पहले ही उसका आंसर पता चल जाएगा, या कभी कभी क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा कि आगे क्या कह रहा है कि हुमायूं तो पता रहेगा आगे पूछ रहा होगा कि भाई किसका पिता, तो इसके कारण आगे आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, जो पेज को पलटिएगा लगेगा सर मेरा पढ़ाई हुआ, लेकिन अटकिएगा कहाँ, एग्जाम में जाइएगा वही सेम क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा कंफ्यूज कर जाइएगा। तो बच्चे अपने दिल को झूठा दिलासा दे लेते हैं कि मेरा घटना चक्र कंप्लीट हो गया। हम लोग भी 11, 12 में बायो पढ़ते थे तो इतनी बार प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ चुके थे कि जब भी टीचर का नोट्स पलटते थे पता चलता था कि सब याद ही, यहाँ पे आगे डायग्राम होगा, यहाँ पे सर ऐसे लिखाए थे, लेकिन एग्जाम में गए तो फंस गए, भूल गए। इसका बेहतर तरीका क्या होता है कि आप किसी दोस्त को पकड़ा दीजिए और फ्री हेड खेले, बोले कि जहाँ से तुमको मन है पूछो, दोस्त नहीं मिले छोटा भाई होगा छोटा बहन होगी उसको बोल दीजिए पूछो, वो भी नहीं मिली माँ को बोल दीजिए पूछो हम देखते हैं कितना याद है, थोड़ा चप्पल ही खाएंगे ना, लेकिन जवाब तो दे सकते हैं। तो ये क्या है जनरल साइंस, इस पर हम लोग को क्या करना है ध्यान देना है। इसके बाद करें मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद सेकेंड में हम क्या करें मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन हम लोग को क्या देख लेना है घटना चक्र प्रीव्यू पूर्वावलोकन, इसका भी टारगेट बेस्ड अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लीजिए, लेकिन टारगेट मिनिमम होना चाहिए। दिल को हम जितना बड़ा टारगेट देंगे ना उतना दिन लेगा, अगर हम सोचें कि 6 महीना में घटना चक्र कंप्लीट करें तो हमारा माइंड भी उसी तरीके से लेजी हो जाएगा और 6 महीना में ही कंप्लीट करवाएगा। लेकिन देखिएगा एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी है तो देखिएगा 10 फरवरी और 11 फरवरी को अपने पढ़ाई का रिदम देखिएगा, लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं बचा है सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक आप क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं, और उस समय मन में संकल्प लाते हैं कि काश ऐसा पढ़ाई पहले किए होते। तो अभी आपके पास 60 दिन है, आपको हर दिन वही जीना है कि भाई मेरा एग्ज़ाम कल है, मेरा एग्ज़ाम परसों है, और पैक कर लीजिए। अगर 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 11 फरवरी को आपका मित्र कोई बोलता है कि शादी में आना है, मेरी सिस्टर की शादी है, जाइएगा नहीं जाइएगा, बोलिए कि सॉरी भाई एग्ज़ाम है नहीं जा सकते, कोई काम आ जाएगा पापा बोल देंगे मम्मी बोल देंगे काम करने, कीजिएगा नहीं कीजिएगा रूम लॉक। तो क्या वही चीज़ हम अगले 60 दिन के लिए नहीं कर सकते,
किसी दोस्त को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को डायरेक्ट ना नहीं कह सकते हैं कि सॉरी अभी नहीं आ सकते एग्ज़ाम है। यदि ये चीज़ अगले 60 दिन तक हर दिन ये सोच के जी लिए कि भाई मेरा एग्ज़ाम है और हमको कहीं नहीं निकलना है, तो 68वीं BPSC आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 60 दिन में सामाजिकता भी निभाएंगे, दोस्त के शादी में भी जाना है, दोस्त के सिस्टर की भी शादी में जाना है, मूवी भी देखना है, क्रिकेट मैच भी देखना है और एग्ज़ाम भी निकालना है। कभी नहीं होगा। अभी एक ही आपका सबसे बड़ा मैच है, सबसे बड़ा विश्व कप है, वह है 68वीं BPSC, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो 60 दिन तक आप अपने आप को क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए और टारगेट रखिए कि हमको नवंबर तक में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, जो हम अनुभव किए हैं वो 1947 तक का ही MCQ बनाते हैं। 1947 इवेंट क्या, हमको लगता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक ही, क्विट इंडिया मूवमेंट तक का ही उनका MCQ कमांड होता है, जो मेरा अनुभव है। 1942 के बाद का अगर हम MCQ देते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते, उनको पता नहीं होता कि माउंटबेटन योजना में क्या हुआ था, समानांतर सरकार कहां कहां पर स्थापित किया गया था, 1947 के बाद भारत की क्या स्थिति रही है, कुछ पता नहीं होता है। तो इस बार अगर चूंकि 50 क्वेश्चन हार्ड पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है, 1942 जहां तक आप पढ़े हैं वो तो सही बात है, 1942 से लेके 1947 के बीच का जो आप गैप छोड़ देते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का, ये भी ध्यान देना। आपको ये चीज़ एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर अभी तक क्या नहीं पूछा है और कहाँ पे हमको फंसा सकता, अपने वीक पॉइंट को आपको क्या करना है, जज करना है। जैसे मान लीजिए हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जब हम क्लास में आते हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि बच्चा हमको कहाँ पे फंसा सकता है, कौन सा टॉपिक को फंसा सकता है, उस टॉपिक को मजबूत करते हैं ताकि बच्चे क्लास में नहीं ये फंसा सके। आप जाके एग्ज़ाम में अकेले एग्ज़ाम देते हैं, हम हर दिन एग्ज़ाम देते हैं आपके सामने, हमको खुद पता नहीं होता है कि बच्चा किस जगह से किस बुक से पर पूछेगा। तो जब स्टार्टिंग में जब टीचिंग शुरू किए थे उस समय डर बना रहता था, उस समय पता नहीं था, तो क्या होता था रात रात भर पढ़ के आते थे पढ़ाने के लिए, तब भी सुबह में भी देख लेते थे एक बार बच्चा कहाँ से फंसा दे। तो उसी प्रकार से आपको एज ए टीचर टाइप सोच लेना है कि कहाँ से फंसा सकता है, मेरी कमी क्या है। तो मेरी कमी कहाँ पर है, 1942 से 47 तक, मेरी कमी कहाँ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इस पर थोड़ा मजबूत करना है। तो पहले आपको ऐसा नहीं क्या 42 से 47 ही करिएगा, पहले आपको क्या कर लेना है, घटनाचक्र प्रीव्यू का अच्छे से पढ़ लेना है। इसका लास्ट पार्ट में ये हम लोग को क्या करना है, देखना मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चन अब कहाँ से बनता है। तो बच्चे शुरू कर देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से अब पूछ रहा है, तो गांधीयन एरा, फोकस कहाँ पर करना है, गांधी युग पे। एक तो 1857 का क्रांति तो इसका फेवरेट है, 1857। इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो वायसराय से, वायसराय गवर्नर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। साहित्य से बुक्स, पुस्तक एवं मैगजीन से। इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, रिवोल्ट से, विद्रोह कौन कौन हुआ, कहाँ पर हुआ इसके बारे में, और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण संस्थान जो है, इससे क्वेश्चन फंसाने वाला यहाँ से पूछ रहा है। आप दे देता है कि ये मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, इसके एडिटर संपादक कौन है, यहाँ फंसाता है, किस गवर्नर या वायसराय के काल में ये हुआ, इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे क्या करते हैं, फंसते हैं। या आपको गांधी युग से, गांधी जी से संबंधित बहुत सारा प्रश्न क्या कर देता है, पूछ देता है। विद्रोह में देखिएगा, जनजातीय विद्रोह हुआ है या किसान विद्रोह हुआ है, इन सब से भी संबंधित प्रश्न आपको क्या करता है, पूछता है। और चूंकि विद्रोह इतना ज़्यादा है कि आप सोचिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम पढ़ ले, पॉसिबल है नहीं, इवन हमको बोल दे याद करने के लिए, एग्ज़ाम में जाते जाते क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इस सब पर भी, ये जो सेक्शन बोले हैं स्पेशली, जो याद करने वाला हमको सेक्शन लगता है कि ये है, ये है, ये है और ये है, इस पर थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, ध्यान देना। डेली अगर आप 5-5 भी याद करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आगे तक याद कर सकते हैं। लास्ट में नोट कर लीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिलहाल क्या कीजिए, घटना चक्र को एकदम फोकस कीजिए, बाद बाकी तो नोट्स सब तो देंगे ही, घटना चक्र को क्या कर लेना है, फोकस कर लेना है। और अगला क्या है, इसके बाद हम बात करें
तो तीसरा आपका आता है जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस हो गया। ये तीन पे पहले हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है, वरीयता देना। इसके बाद मेरा दिल कहता है कि इस बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि 67वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ, 67th का जो री एग्ज़ाम हुआ, इसमें देखिएगा क्या किया है, ज्योग्राफी का वेटेज पिछले अन्य सालों की तुलना में क्या किया है, बढ़ाया। तो मे भी इसमें ज्योग्राफी में बढ़ाएगा। लेकिन ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सा सेक्शन है, तो एक तो पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बेसिकली यही पढ़ना है। इस सब में से सबसे ज़्यादा आपको फोकस कहाँ पर करना है, इंडियन ज्योग्राफी। अभी ना फिजिकल पे फोकस कीजिए ना तो वर्ल्ड पे फोकस कीजिए, अभी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे। और इंडियन ज्योग्राफी पे भी मैप बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे फंसाता है ना कि मैप आपको देखना ही पड़ेगा। अब दे देगा कि सिक्किम जो है किन राज्यों से घिरा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है, या दे देगा कि ये एक्स वाई जेड मिनरल्स है वो कौन कौन राज्यों में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैप का एक अच्छा समझ होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में फंसाने का कोशिश करेगा तो मैप का एक अच्छा समझ होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिटेल में बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ फोकस करना है, आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए भी हम रिकमेंड किसको करेंगे, घटनाचक्र को। घटनाचक्र एक बार देख जाइए, इससे डेप्थ जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बाद में कि मैप से आधारित क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो अभी तक में हम लोग का जो कंसर्न एरिया रहा है ये हम बता दिए। करेंट अफेयर्स सबसे पहले टारगेट करना है, दूसरा हम लोग को क्या टारगेट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा हम लोग को टारगेट करना है जनरल साइंस। चौथा हम लोग को टारगेट करना है, ये है इंडियन ज्योग्राफी। ये हो गया मेन। ऐसा तो नहीं कि इसी से आप पूछेगा, इसके अलावा भी सेक्शन रहेगा। तो इसके अलावा अब क्या क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से। पॉलिटी में ये सब रहता है, सबको पता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहे हैं। जो फंसने वाला एरिया है इसको पहले देखना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट में दे देगा कि किस शेड्यूल में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, इससे क्वेश्चन फंसाता है। आप दे देगा किस भाग में क्या है, जैसे दे देगा कि मौलिक अधिकार जो है वह किस पार्ट में है, या संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करता है, फंसाता है। और तीसरा क्या होता है, अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सब नहीं रटना है। आप जैसे दे देता है कि भाई पंचायती राज की स्थापना से संबंधित क्या है, या आर्टिकल 40 जो है वह किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो सबसे पहले आप पॉलिटी में क्या कीजिए, इसको फोकस कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है, चाहे वो शेड्यूल है, पार्ट है, आर्टिकल है, या संविधान का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, किस देश से कौन सा चीज़ लिया गया, मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्रदत्त है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जो फंस रहा है ना पहले उसको देखना है। लास्ट में जनवरी में आप उसको भी देख सकते हैं जो पढ़े हुए हैं। बचपन से हम लोग का क्या टेंडेंसी होता है, मैथ्स बनाते रहते हैं, मन नहीं लगता है ना, तो उस सब्जेक्ट पर स्विच कर जाते हैं जो मेरा पढ़ा होता है, और दिल को दिलासा देते हैं कि अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। बच्चे की दूसरी कमी क्या है कि अभी से वही पढ़ना शुरू करेंगे जो उनका ऑलरेडी कमांड होगा। मैक्सिमम बच्चा 90% बच्चा देखिएगा अभी हिस्ट्री को कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे, उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तो उनको क्या आएगा, मजा आएगा। तो भाई जो चीज़ आपका ऑलरेडी कवर है उसको तो आप जनवरी में भी कर सकते हैं, उसको तो दिसंबर में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहले मेरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है कि उन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है जिसमें हमको टाइम टेकिंग है। अगर हम जनवरी में आपको कह दें कि 1 साल का करेंट अफेयर्स याद कीजिए, हो सकता है आप याद कर लीजिए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम जनवरी में कह दें आपको कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में क्या है, शेड्यूल में क्या है, नहीं याद रहेगा।
कौन सा विद्रोह कब हुआ नहीं याद रहेगा। तो बेहतर है कि अभी आपके पास टाइम है, एटीज होके पढ़ सकते हैं। तो जो याद करने वाला पार्ट है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उस पार्ट को पहले हम क्या करते हैं, देख जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री में आपको क्या करना है, देख जाना है। मिडाइवल हिस्ट्री भी इस बार फंसाएगा क्वेश्चन। तो मिडाइवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लेना है, एक तो दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, ज़्यादा अभी देखने का जरूरत नहीं, दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं, मुगल देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जो जो चैप्टर लिख रहे हैं पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहमनी साम्राज्य, इसके साथ साथ सूफी मूवमेंट जो हुआ है, सूफी आंदोलन जो हुआ, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन तो गोरी और गजनी से पूछ ही देता है कि कितना बार में सोमनाथ पर आक्रमण किया, लक्ष्मी का सिक्का किनके द्वारा जारी किया, तो ये सब तो आपको याद है। लेकिन बेसिकली आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और सूफी आंदोलन देख लेना है। साथ साथ हम लोग को इसमें इन लोग का क्या देख लेना है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देख लेना है। कुछ पुस्तक लिखा गया है इनके काल में, साहित्य जो है इसके बारे में देख लेना है। साहित्यकार जो है, कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, इसको क्या करना है, देख लेना। इसके अलावा पूरा मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंसाएगा कहाँ, सूफी आंदोलन फंसा रहा है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य फंसाने का प्रयास कर रहा है। मुगल में भी आजकल क्या करता है, अकबर तक में क्वेश्चन नहीं देता है, आगे पूछ दे रहा है जहांगीर से, कहां से पूछ दे रहा है, शाहजहां से पूछ दे रहा है, ठीक है। एक बार पूछा था ना, संगीत का जो कारखाना है किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इस बार अकबर से लेके आगे तक का जो है ना, वहां पर यह क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। तो मिडाइवल में मात्र आपको क्या करना है, इतना ही फोकस करना है। अब दूसरा, क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन टाइप किस प्रकार का प्रैक्टिस करना है। तो पहला तो स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट में दे दिया कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। इस पर क्यों बीपीएससी स्विच करेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, वो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपको पूरी तरह आइडिया ना हो, ठीक है। तो ये चीज़, यानी कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है निम्न में से, ये दे देगा। दूसरा आपको है एजर्सन और रीजन, कथन और कारण वाला, इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करेगा, फंसाने का प्रयास करेगा। तीसरा, अगर ई ऑप्शन नहीं हटाता है तो ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन के पैटर्न में आप तीन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाद बाकी तो लोग नॉर्मल कर ही रहे। सफल होना है तो दुनिया अगर एक्स कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा हम हार्ड एंड फास्ट आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी आयोग बोल चुकी है कि 50 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हमको डर वो 150 क्वेश्चन से नहीं है, 100 क्वेश्चन से नहीं, हमको डर किससे, इस 50 क्वेश्चन से। यही आपका रैंक क्या करेगा डिसाइड, यही आपका क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। 100 क्वेश्चन सब बना लेंगे, विजेता वही होगा जिस 50 क्वेश्चन के लिए क्या करेगा, जस्टिस करेगा। यदि इसको आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपका 68वीं बीपीएससी नहीं छूटेगा। अब सफल वही होगा जो अपने प्रति ईमानदार होगा, जो अपने प्रति ईमानदार नहीं होगा वो सफल नहीं होगा। अब ये शब्द क्यों बोले कि अपने प्रति ईमानदार, हो सकता है कि आपसे हम पूछे कि घटना चक्र पढ़ें, आप रात भर सोए हों लेकिन सुबह में क्या बोलेगा, यस सर रात भर पढ़ें, तो हमको नहीं दिखाइए कि आप पढ़ें या नहीं, इस दो महीना खुद को दिखाना है कि आप कितना मेहनत किए, लेकिन ये चीज़ माइंड को नहीं दिखाइए कि कितना मेहनत किए। अब माइंड को आप बोलिए कि रात भर पढ़ें, माइंड ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आप माइंड को थका रहे हैं, माइंड को बता रहे हैं कि हम तुमको रात भर जगा के रखें। आप 24 घंटा में 18 घंटा भी पढ़िए ना तो बोलिए 6 घंटा रह गया, माइंड को पॉजिटिव दीजिए और तभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 घंटा पढ़ने के बाद उस हर निगेटिव पहलू को देखने लगते हैं जिससे हम थकान महसूस करेंगे, कमर दर्द कर गया, आँख में जलन दे रहा है, सोने का मन कर रहा है, सुबह से कुछ खाए नहीं। अब ये सब कुछ नहीं, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यह है कि किसी तरह 68वीं बीपीएससी निकाल ले। इस 60 दिन अगर आप कम सोइएगा तो मर नहीं जाइएगा, किसी समाज में नहीं जाइएगा तो बहिष्कृत नहीं हो जाइएगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं 60 दिन अपने प्रति ईमानदार नहीं रहे तो समाज आपको बहिष्कार तो करेगी ही करेगी, मार भी डालेगी ताना से, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, आगे जो छूटा बढ़ा होगा आगे फिर क्या करेंगे बतलाते चलेंगे। चलिए।
थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।